कि बकरी का दूध पिया एंड प्लेटलेट यूं ऊपर बढ़ गया। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स, एक बार फिर से आया हूं इस प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए। आज का हमारा टॉपिक फिर से है डेंगी एंड दूध, दूध एंड डेंगी। आपको याद होगा हमने अपने पिछले सीजन में जब डेंगू फैला था दिल्ली के अंदर, तो भी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रिलीज किया था, बकरी का दूध डेंगू फीवर में दें या ना दें, क्या वो प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करता है या ना इंक्रीज करता है। याद होगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हजारों कमेंट्स आए थे, मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे पर्सनलाइज्ड मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी रिसीव हुआ था, मेल्स पे आया था, एंड बहुत ही मिक्स टाइप का रिएक्शन हमें उस समय देखने को मिला था। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया था, कुछ लोगों का कहना था कि हाँ ये ठीक है, सही बात है, मेडिकली ये प्रूवन है चीज़ें जो आपने बोला है, बट कुछ लोगों का ये कहना था कि आपका ये कहना बिल्कुल ही गलत है, मेरा प्लेटलेट, मैं तो खुद डेंगू का भुक्त भोगी हूँ, मेरा प्लेटलेट था 16,000, हमने 1 लीटर बकरी का दूध पिया एंड नेक्स्ट डे से हमारा प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि मैं तो आईसीयू में एडमिटेड था, मेरा प्लेटलेट डे बाय डे डाउन जा रहा था, लेकिन जिस दिन से हमने बकरी का दूध पीना शुरू किया उसके बाद से हमारा प्लेटलेट धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो आज ये बहस फिर से छिड़ गई है क्योंकि दिल्ली में फिर से एक बार ये डेंगू सीजन आ गया है। तो यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ रिगार्डिंग दूध, अब वो दूध चाहे भैंस का दूध हो, गाय का दूध हो या बकरी का दूध हो, एंड ये डेंगू फीवर। तो सबसे पहले जान लें कि ये डेंगू फीवर क्या है। तो डेंगू फीवर होता है डेंगू वायरस से, जो कि इडिस एजेप्टाई जो फीमेल मॉस्किटो है ये कैरी करती है अपने सलाइवरी ग्लैंड में। अगर इसने आपको बाइट किया है, खासकर डे टाइम डॉन एंड डस्क में अगर आपको बाइट किया है, तो हो सकता है चांसेस आपको डेंगू फीवर हो जाए। अब डेंगू फीवर जब होता है तो ये डेंगू वायरस दो जगह प्लेटलेट पे वॉर करता है। पहला, जहां से प्लेटलेट बन रहा है दैट इज बोन मैरो, वहां पे ये बनने नहीं देता है, या जिस गति से प्लेटलेट बन रहा है उस गति को थोड़ा धीमा कर देता है, तो प्लेटलेट बनना थोड़ा कम हो जाता है आपके बॉडी में। एंड दूसरा, ये जो पेरीफेरीज में, पेरीफेरल सर्कुलेशन में जो प्लेटलेट घूम रहा है आपके बॉडी में, इस प्लेटलेट को भी ये तोड़ फोड़ करता है, नुकसान पहुंचाता है, ताकि प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे डाउन हो जाए। अब ये डेंगू फीवर है सेल्फ रिजॉल्विंग वायरल इलनेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, सेल्फ रिजॉल्विंग वायरल इलनेस। इसका एक टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड होता है, ये कुछ दिनों पे के बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर जाता है, लेकिन ये जब तक रहता है तब तक या तो ये डेंगू फीवर के रूप में रहेगा, या डेंगू हेमरेजिक फीवर के रूप में रहेगा, या डेंगू शॉक सिंड्रोम के रूप में रहेगा। तो हमारा यहाँ पे जो मेन एम होता है आपके बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखना, आपको हाइड्रेटेड कंडीशन में रखना। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेंगू के अंदर कि आपका हाइड्रेशन करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका हाइड्रेशन मेंटेन्ड नहीं है तो धीरे 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 आपका प्लेटलेट काउंट भी डाउन जाएगा, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, एंड ब्लड प्रेशर भी आपका डाउन जाता जाएगा, हाइपोटेंशन का एक माहौल सा क्रिएट हो जाएगा, आदमी शॉक में भी जा सकता है, एंड फाइनली डेथ भी हो सकती है इस डेंगू में। तो जब तक ये डेंगू आपके बॉडी में चल रहा है तब तक हमें चाहिए कि अपने बॉडी के वॉल्यूम को, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखें, हाइड्रेटेड रखें। अब यहां पे कुछ लोगों का कहना कि बकरी का दूध पिया एंड प्लेटलेट यूं ऊपर बढ़ गया, जरा इस बात को समझिए। आपका प्लेटलेट धीरे धीरे डाउन जा रहा था, माना 80,000, 60,000, 40,000, 20,000, 18,000, 8,000, ठीक है 8,000 तक गया है आपका प्लेटलेट। हो सकता है आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ी हो, या हो सकता है ना भी पड़ी हो, लेकिन नेक्स्ट डे जब आपने करवाया है तो आपका प्लेटलेट थोड़ा सा इंक्रीज करना शुरू हो गया, 8,000 से बढ़ के 12,000, 24,000, 30,000, 60,000। हो सकता है आपने उस समय बकरी का दूध पिया हो सकता है ना भी पिया। तो लोगों में यही लगता है कि हमने चूंकि बकरी का दूध पिया है इसलिए हमारा प्लेटलेट ऊपर बढ़ गया, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बकरी का दूध नहीं भी पिएंगे, इनफैक्ट कोई भी दूध नहीं पिएंगे, तो भी जब आप रिजॉल्विंग कंडीशन में आ गए हो तो प्लेटलेट आपका ऊपर जाएगा ही। आपके बॉडी का अगर फ्लूइड वॉल्यूम कंट्रोल्ड है, अगर आप हाइड्रेटेड हो, वेल हाइड्रेटेड हो, तो आपका प्लेटलेट ऊपर जाएगा ही।
वो जाना स्वाभाविक है क्योंकि ये सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज है। तो यहाँ पे बकरी के दूध का या किसी भी स्पेसिफिक मेडिसिन का कोई रोल नहीं है कि हमने ये मेडिसिन खा लिया और हमारा प्लेटलेट तो बढ़ गया, ये कहना बहुत ही गलत होता है। तो मेरा मैसेज आप लोगों को यही था कि किसी भी तरीके के इन झांसों में ना पड़े। बकरी का दूध आज इतने हजार रुपए लीटर है, आज इतना दाम और बढ़ गया एंड आप उसके पीछे भागे जा रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग तक हो रही है इस बकरी के दूध की, तो इन सब झांसों में ना पड़े। बॉडी को वेल हाइड्रेटेड कंडीशन में रखें, अपने डॉक्टर से जाकर मिलें, जरूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज हो जाएं, ताकि अगर आपकी ओरल इंटेक खराब है तो आपको आईवी ड्रिप के थ्रू एटलीस्ट आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखा जा सके। तो ये कुल मिलाकर एक बात थी रिगार्डिंग दूध एंड डेंगी, रिगार्डिंग डेंगी एंड दूध। उम्मीद करता हूं आज ये टॉपिक फिर से आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा। पसंद आया लाइक करना ना भूलें, शेयर तो जरूर कर दें ताकि जनरल पॉपुलेशन में भी ये बात एटलीस्ट सर्कुलेट हो जाए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं है, अभी भी टाइम है, नीचे दिए गए बटन को जस्ट प्रेस करें, बेल आइकॉन दबा दें, आपको भी नोटिफिकेशंस आता रहेगा डे टू डे एंड टाइम टू टाइम। मिलते हैं कुछ ऐसी अच्छी अच्छी टॉपिक्स के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।